हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा स्मार्ट सिटीजन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं हमारे एलजेब्रिक यानी बीजगणित के पहले दूसरे टॉपिक पर। इसके अंदर हम बात करेंगे क्यूब वाली संख्याओं का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर वाली संख्या का बात की थी, यदि हमारे वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले की वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पहले का वीडियो पहले जरूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वीडियो आपको पहला वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा, आपको इसे भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। हमारे एक तरह से उसमें दो रूल कंप्लीट हो चुके थे, हमने लिखा नहीं था फर्स्ट और सेकेंड। इसके अंदर हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ रूल की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रूल नंबर 3 और 4, और हम सिर्फ शॉर्ट की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि आप ऑप्शन से कैसे इसे हल कर सकते हैं क्वेश्चन लेके, क्योंकि क्वेश्चन होंगे जब भी ऑप्शन से हल होंगे, ऐसे क्वेश्चन से हल नहीं होंगे। इसके अंदर आपको शॉर्ट वीडियो शॉर्ट तरीका बताते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, वहां पर क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आएगा x^(x³)+1/(x³)। पहले हम प्लस वाले की बात करते हैं फिर माइनस वाले की बात करते हैं। बराबर 3 हो तो x³ (x^(1)x³) = 3 होगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है x³ + 1/(x³) क्या होगा और क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस ट्रिक्स को, ठीक है। तो अब यहां से हमसे पूछा है, जब स्क्वायर की होती तो हम करते थे संख्या स्क्वायर माइनस 2, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को। इसमें बनेगा हमारा संख्या का क्यूब माइनस 3 गुना संख्या, यानी जो संख्या दे रखी है उसका क्यूब कर देंगे, माइनस 3 × जो यहाँ पर इसका क्यूब किया है उसी को 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये लिख दिया, आप तो इसको करेंगे कैसे, यानी संख्या दे रखी है हमारे पास 3, माइनस 3 × 3 क्योंकि संख्या 3 है, 3 का क्यूब होता है 3 × 9 होती है 27, माइनस 3 × 9 तो इसमें से ज्ञात कर लेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी से कमेंट कर दो, यानी कितना बचेगा 18। तो यहाँ पर भी आंसर आपका 18 आ गया फटाफट के फटाफट। अब यदि आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन है, आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, यानी आपको पता है संख्या इसका माइनस 3, तो संख्या है यहाँ पर 3, 3 का क्यूब होता है 9 मुझे पता है, और 3 × संख्या 3 × 9 यानी 27 में से 9 घटाऊंगा तो 25 आ जाएगा। तो आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास 5, यहाँ पर है आपके पास 6, कुछ भी ले लीजिए आप, और जो भी आपसे पूछेगा चीज तो एक ही है हमारे पास, संख्या क्यूब माइनस 3 × संख्या। तो संख्या यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, माइनस 3 × संख्या, तो 3 × संख्या यानी 3 × 5 = 15, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 110, यानी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास वहां पर और पूछेगा आपसे इसके बराबर में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपने फटाफट कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से हम दूसरा बताते हैं कि प्लस वाला हो, यदि ये प्लस है तो इसमें ये कर रहे हैं, यदि इससे बाद माइनस होगा तो क्या करेंगे, आपको किसी भी संख्या आ जाए आपको यही चीज करनी है और इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब करते हैं माइनस वाला, माइनस वाले के लिए कुछ भी नहीं है, उसके अंदर भी हम स्क्वायर में करते थे तो प्लस था तो माइनस कर देते थे, माइनस होगा तो क्या करेंगे प्लस ही करेंगे और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होता है, यानी आपने माइनस दे रखा है और पूछेगा तो यहाँ प्लस नहीं, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 4, ये संख्या भी चेंज होनी चाहिए जब भी तो मजा आएगा क्वेश्चन में, x - 1/(x)=4 दे रखा है, तो x³ + 1/(x³) = क्या होगा,
ठीक है, तो हमारा वही है, माइनस दे रखा है, तो संख्या स्क्वायर, संख्या क्यूब माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 गुणा संख्या, यही तो होगा हमारा। तो यानी संख्या क्या आएगी, एक तरह से यहाँ पर 4 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 माइनस 4 किया 12, यदि इसमें घटाते हैं इसको तो कितना बचता है 52, तो इसका आंसर कितना आएगा 52। फ्रेंड्स आपने देखो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और जब मैं बताऊँ आपको इसका ऑप्शन कैसे होगा वो भी आपको बता ही देता हूँ मैं इसको। जब आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है कि आपका क्वेश्चन सिर्फ 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, क्योंकि आजकल 45 मिनट में 100 क्वेश्चन भी करने के लिए आते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे सीजीएल की बात करते हो तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन रहता है हमारे पास, यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो मैथ के ऐसे क्वेश्चन देगा कि आपको फटाफट सॉल्व हो जाए वहां पर, ठीक है। तो इसको देखो ऑप्शन आपको कैसा मिलेगा वहां पर, मैं आपको बताता हूँ। एक ऑप्शन मिलेगा 52, एक ऑप्शन मिलेगा 53, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको 64, ठीक है। जो क्यूब है ना वो वाला ऑप्शन तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, और एक आपको मिलेगा 9। तो आपको कैसे पता करना है कि भाई मैं ऑप्शन से करूँगा, यदि मान लो मैं आपके पास ये संख्या भी लिखता, यहाँ पर ये भी लिखता, सिर्फ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देके आपको ये पूछ लेता कि आपको क्या करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि ये तो छोटी संख्या है, यदि बड़ी संख्या होगी तो क्या करेंगे, यानी 4 का क्यूब कितना होता है, 4 6 16 64, 64 मुझे पता है, ठीक है, 64 में इकाई अंक क्या आता है 4, बड़ी संख्या होगी तो भी उसका इकाई अंक अलग ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद 4 × संख्या माइनस 4 × संख्या, तो संख्या कितनी है 4 4 6 16, नहीं 3 × संख्या यानी 4 3 12, यानी इसका इकाई अंक कितना है 2, यानी 4 में से तो हमेशा 2 ही तो घटेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 2, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक कितना होगा 2, इसमें से इकाई अंक किसका दे रखा है हमें 2 इसका दे रखा है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन कर देंगे इसका, यानी ये इतना सा लड्डू है कि इसको आप 5 सेकंड के अंदर तो ऑप्शन से उड़ा ही सकते हो, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको ऑप्शन से उड़ाने के लिए, लेकिन आपको क्यूब स्क्वायर ये वर्ग पता स्क्वायर पता होने चाहिए, इनके लिए हमने आपको पहले ही वीडियो बना के बता रखा है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, आपको सारे स्क्वायर आ जाएंगे। और वीडियो को आप इसको लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।